गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि अब बीसीए का जो आपका सॉल्व सॉरी असाइनमेंट है वो आ चुका है, अपलोड हो चुका है वेबसाइट पे, जो कि 2022 और 23 का है। सो फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने अभी एक सॉल्व किया है, जो कि ECO01 है, और बाकी के भी सॉल्व असाइनमेंट जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे जैसे मैं सॉल्व करते जाऊंगी, वैसे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालती जाऊंगी सॉल्व असाइनमेंट्स। सो ये फर्स्ट टाइम वीडियो होगा यूट्यूब पे, जो कि बीसीए का जो अभी जैसे ही कल अपलोड हुआ शाम में असाइनमेंट, और ये आज मैंने सॉल्व असाइनमेंट अपलोड कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए भी हेल्पफुल होगा, और अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसे वीडियोस आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 के ऊपर जल्दी से पहुंचा दो, ताकि मैं और मोटिवेट होके जल्दी जल्दी से वीडियो ला पाऊँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स। पहले इस चीज़ के लिए लाइक कर दो, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम अभी यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है, अभी किसी ने सॉल्व नहीं किया, किसी ने अपलोड नहीं किया, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सो इस बात पे प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा 1000 के ऊपर पहुँचाओ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट नंबर को इसमें से क्वेश्चन में से कह रहा है कि आपको कोई पांच सॉल्व करना है, लेकिन मैंने इसमें टोटल सॉल्व कर दिया है। आपको जो मन करे, जो इजी लगे, वो आप सॉल्व करके मतलब अपने असाइनमेंट पेपर पे डाल सकते हैं। इसमें से पांच ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ बिजनेस एंड लिस्ट द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। सो इसेंशियल फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं कि डील इन गुड सर्विस, सेल्स एक्सचेंज गुड एंड सर्विसेज, रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट एंड आई मैटर नो अर्निंग प्रॉफिट। राइट, तो इस और इसको थोड़ा सा डिटेल करना था, क्योंकि ये एक पार्ट ही 10 नंबर का था, और ये अलग जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है वो 10 नंबर का था, 10 नंबर का था। तो ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ा। तो आप लोग ऐसी कॉपी पे अपने जो भी आपके पेजेस होंगे असाइनमेंट पेजेस, उस पे आप लोग मतलब लिखना। एंड ये वीडियो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ये जो आपका PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको पासवर्ड वगैरह मांगे तो आप वीडियो में ही आपको पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, सो देख सकते हैं, ये अभी ऑब्जेक्टिव्स है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब द फैक्टर दैट डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो पार्ट था वो 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 नंबर लाइक ही आंसर मैंने डाला है, ताकि आप लोग को लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इट्स रेफर स्पेसिफिक मिक्स टू डेबिट एंड इक्विलिटी यूज टू द फाइनेंस कंपनी असिस्ट ऑफ ऑपरेशंस। राइट, कुछ ये जो भी मैंने मुझे लगा कि आप लोग को एग्ज़ाम के टाइम भी हेल्प कर सकता है, उसको मैंने ब्लैकआउट कर दिया है, तो वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है, ये सारी कुछ डिस्क्रिप्शन है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस अ वेरी वेरियस आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एंड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट। मतलब कुछ आर्गूमेंट्स लिखने थे जो सपोर्ट में भी हो और अगेंस्ट में भी हो एडवर्टाइजमेंट के। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने अभी सपोर्ट पे डाला कि सिमुलेटर प्रोडक्शन होता है, नेशनल इनकम होते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, पब्लिक एक्सेप्टेंस होता है, कमर्शलाइजेशन ऑफ इन्वेंशन होता है। राइट, तो इसको थोड़ा 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 लिखना है आप लोग, लिखना। उसके बाद अब है कि आर्गूमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट, तो कुछ इस तरीके से कि एडवर्टाइजिंग लीड हायर प्राइस। राइट, सेकेंड कि एडवर्टाइजमेंट लीड मोनोपोली, इसी तरीके से है, चार पांच मैंने डाल रखा है। फोर्थ क्वेश्चन है कि डिस्कस द प्रीवेंस रिस्क ऑफ अ बिजनेस एंड डिस्क्राइब द ब्रीफली मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस रिस्क। पहले आपको इसके लिए रिस्क का बिजनेस बताना है, जो कि इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं,
सॉरी मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस रिस्क बताना है, तो वो भी इस तरीके से है, अल्कोहल एंड ड्रग अब्जर्व, राइट, स्ट्रेटेजिक रिस्क। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि कमेंट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो कि आपको 5 क्वेश्चन दिए, 4 या 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि 4 या 5 नंबर का है, राइट, शायद 4 क्वेश्चन है, राइट, यस, 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके 5 नंबर में, जिसमें से आपको बनाने हैं चारों के चारों क्वेश्चन, और जो कि है 5 5 नंबर के, ठीक है। फर्स्ट है कि एन एंटरप्रेन्योर इज गुड जस्ट फॉर विच प्रोडक्ट्स विल सेल, यस इट्स ऑफ कोर्स बिकॉज एंटरप्रेन्योर जो कि जो बहुत अच्छे से समझा सकता है पर्सन को कि किस चीज़ जो जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से अच्छे है आपके फ्यूचर या आपके लिए, राइट। स्टॉक एक्सचेंज प्ले एवरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, यस, ये भी एक अच्छा रोल प्ले करता है स्टॉक एक्सचेंज, वो भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। और यहाँ है आपका देयर आर वेरियस रीजन ऑफ अ गवर्नमेंट पार्टिसिपेटिंग इन बिजनेस, यस, रीजन तो है बिकॉज स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है इस चीज़ में, ताकि अगर वो बिजनेस अच्छा हो तो आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजिक रीजन है, रेवेन्यू जनरेशन है, एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से तो ऑफ कोर्स आएंगे एम्प्लॉयज, राइट। फिर ये है डी नंबर की गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सफर फ्रॉम सेंट्रल लिमिटेशन, यस, तो ये भी है, उसके इस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने किया है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके वीडियोस, जो भी सॉल्व असाइनमेंट के वीडियोस होंगे, वो पीडीएफ होंगे, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हाँ, ये मेरे वीडियोस काफ़ी चोरी होते हैं, लाइक सॉल्व असाइनमेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, प्लीज़ आप लोग ये सब मत करो बिना पूछे हुए, क्योंकि ये यूट्यूब कम्युनिटी के खिलाफ है, तो ये सब आप मत करा करो, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।